पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कल से अपनी जिंदगी की अंतिम सियासी लड़ाई लड़ने का आगाज करने जा रहे हैं। 2024 में सत्ता हासिल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा सभी 90 हलकों में जन आक्रोश रैलियां करेंगे। इन रैलियों की शुरुआत कल से रादौर में हो रही है। रादौर में होने वाली इस सबसे पहली रैली को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने जिस बीएल सैनी को दोबारा एमएलए बनाने की ख्वाहिश रखी है, तमन्ना रखी है, वही बीएल सैनी उनके भरोसे पर खरा नहीं उतर रहे हैं। बीएल सैनी के ऊपर पहली रैली की जिम्मेदारी डालना कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसकी वजह है बीएल सैनी का एक्सपोज होना। बीएल सैनी रैली के 24 घंटे पहले तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि रैली कहां पर होगी। भूपेंद्र हुड्डा ने इस रैली के लिए जो अपना टूर प्रोग्राम जारी किया है उसके अंदर JMIIT कॉलेज के सामने के मैदान को रैली की जगह बताया गया है, जबकि हकीकत यह है कि रैली वहां पर नहीं हो रही है, बल्कि रैली कंबोज धर्मशाला के सामने मैदान में हो रही है और वहां पर टेंट लगने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन से अनुमति JMIIT कॉलेज के सामने के मैदान के लिए ली गई, लेकिन रैली कंबोज धर्मशाला के सामने आयोजित की जा रही है। ऐसा प्रशासनिक दृष्टि से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के पास नेता प्रतिपक्ष का प्रोटोकॉल है, जिसके तहत कैबिनेट मंत्री वाली सारी सुविधाएं, सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं प्रशासन और सरकार को करनी होती है, और उस व्यवस्था के अंदर कल की जन आक्रोश रैली रादौर में JMIIT कॉलेज के सामने मैदान में होनी तय की गई थी, लेकिन प्रशासन से बगैर मंजूरी के बीएल सैनी ने जगह का नाम बदल लिया है और रैली अब कंबोज धर्मशाला के सामने मैदान में की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इस रैली की जगह 10 दिन में चौथी बार बदली गई है। पहली बार कंबोज धर्मशाला के सामने ही रैली करने का फैसला किया गया, उसके बाद अनाज मंडी में रैली करने का फैसला किया गया, 3 दिन के बाद रैली का स्थल JMIIT कॉलेज के सामने के मैदान में किया गया और वहाँ की परमिशन प्रशासन से भी ले ली गई। लेकिन कल एक बार फिर से ये सूचना आई कि रैली का स्थान एक बार फिर से बदल गया है और वो कंबोज धर्मशाला के सामने मैदान में होगी। ऐसा अफरा तफरी का माहौल जहां रैली के आयोजन के लिए भीड़ को, कांग्रेस के वर्करों को गफलत में डालने का काम कर रहा है, वहीं बीएल सैनी की सोच और बीएल सैनी की मैनेजमेंट की पोल खोलने का काम भी कर रहा है। बीएल सैनी ने इस रैली को लेकर कई तरह के होर्डिंग लगाए हैं। अब आप देख सकते हैं कि होर्डिंगों के अंदर आपको नजर आएगा कि एक रैली के अंदर जहाँ अनाज मंडी का विवरण दिया गया है, तो दूसरे के अंदर कंबोज धर्मशाला का जगह बताया गया है, और हम आपको भूपेंद्र हुड्डा का टूर प्रोग्राम का शेड्यूल भी आपको बता रहे हैं, जिसके अंदर रैली की जगह JMIIT कॉलेज के सामने के मैदान में बताई गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और बीएल सैनी पिछले एक महीने पहले घोषित रैली के स्थल को अभी तक फाइनल क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि कल अगर रैली के अंदर कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई उक चुक हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो ऐसे में बीएल सैनी की जवाबदेही बन जाएगी, क्योंकि प्रशासन ने सारी सुरक्षा की व्यवस्था, सारा नेता प्रतिपक्ष का रूट और उनके आगमन को लेकर पूरा JMIIT मैदान के सामने को लेकर किया गया है। और ख़ास बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा की टीम के लोग भी इस रैली में आने के लिए कांग्रेस के नेताओं और वर्करों को JMIIT मैदान की सूचना दे रहे हैं और ये फ़ोन आज दोपहर को भी जारी हैं। लेकिन इन कॉल सेंटर वालों को ये नहीं मालूम कि रैली की जगह JMIIT कॉलेज का सामने का मैदान नहीं, बल्कि कंबोज धर्मशाला के सामने का मैदान है। जब भूपेंद्र हुड्डा को ही इस बात की जानकारी नहीं है, जब भूपेंद्र हुड्डा को इस बात की जानकारी नहीं है कि रैली JMIIT के सामने के मैदान में नहीं, बल्कि कंबोज धर्मशाला के सामने के मैदान में है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएल सैनी इस रैली को लेकर कितना गंभीर हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी नाराजगी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बीएल सैनी की इस बात की भी है कि उन्होंने इस रैली को लेकर यमुनानगर जिले के दूसरे कांग्रेस नेताओं को खुद फ़ोन करके न्योता नहीं दिया है। वो सिर्फ अपने गुट के नेताओं को ही इस रैली की जिम्मेदारियां दे रहे हैं, और यही वजह है कि आप एक होर्डिंग में देख सकते हैं कि रैली के लिए लोगों को आमंत्रित करने का आह्वान एक छाछरौली का पूर्व एक कांग्रेस पदाधिकारी कर रहा है। रादौर हलके के कांग्रेसी नेताओं के अलावा यमुनानगर जिले के पुराने कांग्रेसी नेताओं को बीएल सैनी ने अभी तक फोन करके रैली में आने के लिए निमंत्रण नहीं दिया है। असलियत यह है कि बीएल सैनी ने कांग्रेस को पूरी तरह से इनेलो में तब्दील कर दिया है और उनके आसपास ज़्यादातर लोग इनेलो पृष्ठभूमि के दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि इस रैली को लेकर कांग्रेस के अंदर गर्मजोशी का माहौल नहीं है। यमुनानगर जिले के
जाट नेताओं और दूसरी कास्ट के नेताओं के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए काफ़ी क्रेज है और 2024 में सत्ता आने के आसार को देखते हुए सभी नेता हुड्डा फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बीएल श्रेणी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। वो कांग्रेस से जुड़े नेताओं को इस बारे में रैली में ना तो भीड़ लाने के लिए जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही पुराने नेताओं और वर्करों को रैली में आने के लिए न्योता दे रहे हैं। वो सिर्फ अपने बलबूते पर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और हुड्डा फैमिली को दिखाना चाहते हैं कि यमुनानगर जिले में वही सबसे मजबूत नेता हैं और उनके अलावा कांग्रेस कुछ नहीं है। बीएल सैनी की ये सोच आत्मघाती कही जाएगी और उससे भी ज़्यादा हुड्डा फैमिली के लिए नुकसानदायक कही जाएगी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सभी पूरे हलकों के अंदर सारे कांग्रेस के नेताओं को, पुराने वर्करों और नेताओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और इसके लिए पहली रैली बेहद मायने रखती है। रादौर की पहली जन आक्रोश रैली हुड्डा फैमिली के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हज़ारों लोगों की फड़कती हुई करंट मारती हुई भीड़ नज़र आनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट होनी चाहिए और पूरे कांग्रेस की जो ताकत लगनी चाहिए वो रादौर में कहीं नज़र नहीं आती है। बीएल सैनी सिर्फ अपने बलबूते पर ही बड़ी रैली करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बीएल सैनी जिस तरह चल रहे हैं उसके हिसाब से ये रैली किसी भी सूरत में बम्पर नहीं हो सकती है। अगर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के सारे नेता और कांग्रेस के प्रति निष्ठावान नेता इस रैली के लिए पूरा जोर लगाते तो ये रैली ऐतिहासिक साबित हो सकती थी और बीएल सैनी के डगमगाते हुए सियासत के लिए भी एक संजीवनी का काम कर सकती थी। हालात यह है कि बीएल सैनी आज की तारीख में रादौर में बेहद मुश्किल हालात में हैं और वो नंबर 3 या नंबर 4 पर रह सकते हैं। उनको नंबर 1 पर लाने के लिए ही दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने रादौर में पहली जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। इस रैली को जबरदस्त सफल बनाने के लिए बीएल सैनी को कांग्रेस के सभी नेताओं को साथ लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है और सबसे बड़ी बेवकूफ़ इस बात की है कि रैली के 24 घंटे पहले भी रैली के स्थल को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता और वर्कर फाइनल नहीं हैं। किसी को ये नहीं पता कि रैली कहां होने जा रही है, क्योंकि रैली को लेकर 4-4 बार आयोजन स्थल बदले गए हैं, जिसके चलते कांग्रेस के नेताओं और वर्करों में गफलत का माहौल है। यही कारण है कि 24 घंटे पहले भी कांग्रेस के नेता और वर्कर एक दूसरे के पास फोन करके ये पूछ रहे हैं कि रैली कहां पर है। बीएल सैनी रैली की व्यवस्था कंबोज धर्मशाला के सामने कर रहे हैं, जबकि हुड्डा परिवार के रूटीन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से रैली JMIT के सामने के मैदान में हो रही है और उसी के अनुसार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की टीम कांग्रेस के नेताओं को सुबह 10 बजे JMIT मैदान में आने के लिए फ़ोन भी कर रही है, लेकिन उनको भी नहीं मालूम है कि बीएल सैनी ने उनसे पूछे बगैर ही रैली का स्थान बदल दिया है, प्रशासन से मंजूर लिए बगैर ही रैली का स्थान बदल दिया है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएँ? इसके मायने ही हैं कि बीएल सैनी इतने सक्षम नेता नहीं है, इतने दमदार नेता नहीं है, इतने समझदार नेता नहीं है जो इस रैली को संभाल सकें, जिस रैली को सुपर डुपर हिट कर सकें। वो जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस रैली के अंदर माहौल ख़राब करने का काम कर सकती है, इस रैली को फिका करने का काम कर सकती है। अभी 24 घंटे से भी कम का समय है। अब देखने की बात यह है कि बीएल सैनी की इस डगमगाती हुई सियासत को संभालने के लिए दीपेंद्र हुड्डा क्या इंटरफेयर करने का काम करते हैं और दीपेंद्र हुड्डा को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरी कांग्रेस को साथ लेकर इस रैली में ये दिखाना चाहिए कि कांग्रेस 2024 सत्ता में आ रही है और रादौर सीट भी कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन लगता है कि बीएल सैनी के इरादे और मनसा ऐसी नहीं है कि वो दोबारा विधायक बनना चाहते हैं। यही वजह है कि 10 दिन में 4 बार रैली की जगह बदली गई और कांग्रेस के नेताओं को और वर्करों को इस रैली से दूर रखने का काम किया गया। रादौर में होने वाली जन आक्रोश रैली की भीड़ को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। रादौर की इस रैली को लाइव देखने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।